हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा गिवन क्वेश्चन है, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोंस फार्मूला। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है कि आपके पास एक सिग्नल बोर्ड है जो एक ट्राइंगल की शेप का है, और उस जो ट्राइंगल है मतलब कि जो बोर्ड है उसकी जो साइड है उसकी लेंथ है ए, बस आपको ई दे रखा है, और उस बोर्ड का पूरे का पैरामीटर आपको 180 सेंटीमीटर दे रखा है। आपको इस जो ट्राइंगुलर बोर्ड है इसका आपको एरिया फाइंड करना है और हेरोंस फार्मूला का यूज़ करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है यूजिंग हेरोंस फार्मूला, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात की गई हमारे पास सिग्नल बोर्ड जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल का है, तो उसका मतलब इसकी तीनों साइड्स ए हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि हमें जो पैरामीटर दे रखा है वो बोर्ड का, वो हमें 180 सेंटीमीटर दे रखा है। पैरामीटर ऑफ द बोर्ड इज इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर, और ट्रायंगल के पैरामीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड, या फिर कोई भी शेप के पैरामीटर का फॉर्मूला यही होता है। तो अगर हम लोग इसकी और इस ट्राइंगल की तीनों साइड का सम करें तो क्या आएगा, ए प्लस ए प्लस ए, तीनों साइड का सम हो जाएगा ए प्लस ए प्लस ए इज इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर, और इनको ऐड करेंगे 3a इक्वल्स टू 180। यहाँ से ए की वैल्यू आएगी 180 डिवाइड बाई 3 विच इज इक्वल्स टू 60। देखिए, ए की वैल्यू हमारे पास 60 आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, किससे, हेरोंस फार्मूला से। तो एक बार हम लोग हेरोंस फार्मूला को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आपका जो हेरोंस फार्मूला होता है वो होता है अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ये होता है आपका हेरोंस फार्मूला। ये सब कुछ अंडर रूट के अंदर आता है। अब इस फार्मूले के लिए क्या क्या जरूरत है आपको, सबसे पहले एस की वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको ए बी और सी, ये तीन चीज़ भी चाहिए। ए बी सी ये आपकी ट्राइंगल की साइड्स होंगी, और जो एस है उसका एक अलग से फॉर्मूला होता है, एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। इन तीनों साइड्स का सम करके आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एस की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोग अब इस फॉर्मूले को ही यूज़ करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग एस को ही फाइंड करते हैं, एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। देखिए, ए तो सेम रहेगा, बी और सी ये दोनों भी ए हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब तीनों साइड इक्वल, तो यहाँ ए प्लस ए डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 3 ए बाई 2। यहाँ पे अभी आप ए की वैल्यू पुट मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी हो सकती है, दिक्कत आएगी कैलकुलेशन करने में। अब हेरोंस फार्मूला में आ जाते हैं, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये आपका क्या है, हेरोंस फार्मूला, तीनों ये मल्टीप्लाई में है। चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं, एस की वैल्यू 3 ए बाई 2, यहाँ से देखिए एस की वैल्यू आई है, ब्रैकेट फिर दोबारा से एस की वैल्यू 3 ए बाई 2। ए साइड है हमारी सेम रहेगी, वैल्यू अभी पुट नहीं करिएगा, एस की वैल्यू फिर दोबारा से, और बी सेम रहेगा, ए हो जाएगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सिमिलरली ये भी हो जाएगा माइनस ए, ये हम लोगों ने वैल्यूज पुट कर दी हैं। सॉल्व करते हैं, देखिए इसको तो सेम रखिए, यहाँ पे क्या करिए एलसीएम ले लीजिए, ये 2 का मल्टीप्लाई ए से हो जाएगा अगर आप लोग एलसीएम लेंगे सिंपली, और नीचे 2 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे भी सेम स्टेप होगा, कोई चेंज नहीं है, 3a माइनस 2a डिवाइड बाई 2। एक बार आप लोग इसे देख लीजिए, देखिए 3a में से 2a माइनस करेंगे आपके पास a आएगा, नीचे 2 रहेगा एज इट इज, ऐसे यहाँ पे भी सेम रहेगा a बाई 2 a बाई 2। अब देखिए, अगर हम लोग इन सबका मल्टीप्लाई करें, सबसे पहले न्यूमरेटर की बात करेंगे, ऊपर आ जाएगा a की पावर 4, क्यों, क्योंकि a हमारे पास 4 टाइम्स दे रखा है, a इंटू a इंटू a इंटू a, तो अंडर रूट तो वैसे ही रहेगा, हटेगा नहीं, 3 ए की पावर 4, डेनोमिनेटर में 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16।
ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें अंडर रूट से अगर हम लोग इस वैल्यू को बाहर निकालेंगे, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 4। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए की पावर 4 को बस मैंने ब्रेक किया, ए की पावर 2 इंटू ए की पावर 2, 16 को ब्रेक किया, 4 इंटू 4। अब देखिए अंडर रूट से आप लोग सब जानते भी होंगे कि अंडर रूट से बाहर तभी कोई नंबर बाहर आता है जब उसका साथ का पेयर हो, मतलब वो पेयर में हो। ए की पावर 2, ए की पावर 2 दो है, पेयर बन गया, 4 इंटू 4 ये भी दो है, पेयर बन गया, बस 3 अकेला रह गया है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, सिर्फ ए की पावर 2 अपॉन 4, सिर्फ एक निकलेगा, दोनों नहीं निकलेंगे, एक पेयर में से एक निकलता है, इंटू अंडर रूट 3, 3 अंडर रूट में ऐसे ही रह जाएगा मल्टीप्लाई में। अब आप लोग यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दीजिए सिंपली, कैसे करेंगे देखिए, अंडर रूट 3 को ऐसे ही रहने दीजिए, ए स्क्वायर क्या है, ए की वैल्यू 60, या फिर मैं 60 का स्क्वायर को 60 इंटू 60 लिख देता हूँ, 2 टाइम्स अपॉन 4, ओके। यहाँ पे आप इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए, 4 से 60 को कट कर दीजिए 15 टाइम्स, यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा 900 इंटू रूट 3, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों है, क्योंकि आपकी जो साइड थी, वैसे इसमें दे तो नहीं रखा है लेकिन पेरीमीटर आप ऊपर देखेंगे, जो हमने पेरीमीटर में दे रखा है वो सेंटीमीटर में दे रखा है, इसलिए शायद इसलिए एरिया भी हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आना चाहिए। अब तो यहाँ से हम लोग इसका एरिया हम लोग फाइंड कर चुके हैं, हेरोंस फार्मूला का यूज़ करना है तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और हाँ, ये जो यहाँ पे ये वैल्यू लिखी है ना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के फॉर्मूले की है, इसे आप याद कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल उसका एरिया फाइंड करना आप इस फॉर्मूले को लगा दीजिए, साइड बस साइड का स्क्वायर कर दीजिए और रूट 3 अपॉन 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते थे क्योंकि हेरोंस फार्मूला ही यूज़ करना था। सेकेंड पॉइंट हमारे पास ये है कि यहाँ पर रूट 3 की वैल्यू आप चाहे तो रख सकते हैं 1.732, नहीं चाहे तो भी नहीं रख सक तो नहीं रखना चाहे तो मत रखिएगा, क्योंकि इसमें इतना कंपलसरी होता नहीं है। ये भी आपका आंसर सही है। अब आपके क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ शेयर दिस लेक्चर टू योर क्लासमेट्स एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।